मेरा नाम डॉक्टर बॉब बॉलिंजर है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर। लॉन्ग कोविड का सीधा सा मतलब है कि कभी कभी लक्षण जो लोगों को इस संक्रमण से होते हैं कुछ समय तक रह सकते हैं। यदि आपके लक्षण लंबे समय से हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। लोग जिन लक्षणों का वर्णन करते हैं वे लॉन्ग कोविड से भिन्न होते हैं। बहुत से लोग नोटिस करते हैं कि थकान एक ऐसी समस्या है जो जारी रह सकती है। कभी कभी लोगों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, यह ब्रेन फॉग कहलाता है, जिसका कुछ लोग वर्णन करते हैं। कुछ लोगों ने विशेष रूप से अपनी त्वचा पर और पैरों पर असामान्य चकत्ते या घावों को देखा है, जिन्हें लॉन्ग कोविड के साथ वर्णित किया गया है। लेकिन सामान्य तौर से ये काफी दुर्लभ जटिलताएं हैं और कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने डॉक्टर से पूछने की आवश्यकता है अगर इसे लेके आपके कुछ प्रश्न हैं। बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि कोविड के रोगियों में कोविड के साथ कुछ और संक्रमण भी मौजूद हो सकते हैं। इस बीमारी के रोगियों का इलाज करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें से एक यह सुनिश्चित करना है कि हम उन्हें अनावश्यक रूप से दवाएं न दें, क्योंकि इनमें से कुछ दवाएं वास्तव में बाद में अन्य प्रकार के संक्रमणों के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। उन दवाओं में से एक स्टेरॉयड है, और इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम केवल उन लोगों को स्टेरॉयड दें जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है। इनमें वे लोग होते हैं जिनके रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब उनके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। अन्यथा स्टेरॉयड के उपयोग से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोगियों में स्टेरॉयड का अत्यधिक उपयोग बाद में फंगल संक्रमण और जीवाणु संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकता है। दूसरी बात जो स्पष्ट होनी चाहिए वह ये है कि जिन रोगियों को गंभीर निमोनिया होता है, जहां उनके फेफड़े इस संक्रमण से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें बाद में अन्य संक्रमणों से विशेष रूप से खतरा होता है, जिसके लिए उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि हम हर उस व्यक्ति को नियमित एंटीबायोटिक्स न दें जिन्हें यह संक्रमण है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरस के संक्रमण का बिल्कुल भी इलाज नहीं करते हैं, और वह केवल तभी आवश्यक होते हैं जब आपको कोई अन्य संक्रमण हो। यदि आपको कोई अन्य संक्रमण नहीं है तो इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं है, और वास्तव में बाद में असामान्य संक्रमण के साथ समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।